दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मकड़ियां कीड़े नहीं होते? हाँ, आपने सही सुना। मकड़ियां कीड़े नहीं होती, बल्कि ये एक अलग ही प्रकार के जीव होते हैं। ये एक आम गलतफहमी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि मकड़ियां कीड़े हैं क्योंकि वो छोटी होती हैं और उनके पैर होते हैं, लेकिन ये सोच सही नहीं है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि मकड़ियां और कीड़े अलग अलग होते हैं। मकड़ियां अरैकनिड्स के समूह में आती हैं, जबकि कीड़े इंसेक्ट्स के समूह में। वो अलग अलग ग्रुप से आते हैं और उनके शरीर और रहने के तरीके में बहुत अंतर है। मकड़ियों के 8 पैर होते हैं, जबकि कीड़ों के 6 पैर होते हैं। चलो, हम मकड़ियों और कीड़ों के बीच के इन अंतरों को समझते हैं। दुनिया में 48,000 से भी ज्यादा मकड़ी स्पीशीज हैं और मिलती हैं ये हर जगह सिवाय अंटार्कटिका के। सबसे कमाल की बात तो है मकड़ियों की जाले बनाने की कला। उनके शरीर में कुछ ग्लैंड्स होती हैं, वहीं से ये रेशम निकलता है। और भाई, ये रेशम होता है सुपर मजबूत। कुछ मकड़ियों का रेशम तो स्टील से भी ज्यादा ताकतवर होता है। और शिकार पकड़ने का इनका तरीका तो और भी मजेदार है। जाल बनाकर फंसा लेते हैं अपने शिकार को। और कुछ मकड़ियां, जैसे जंपिंग स्पाइडर, तो शिकार के पीछे दौड़ती भी हैं। इनकी 8 आंखें और तेज रफ्तार इन्हें सुपर डुपर शिकारी बना देती हैं। चलो, अब जरा बात करते हैं मकड़ियों के जहर की। देखो, सब मकड़ियां पॉइजनिली नहीं होती, लेकिन जो होती हैं उनका जहर शिकार को लकवा मार देता है। इंसानों को ज्यादा खतरा नहीं होता, पर कुछ मकड़ियां, जैसे ब्लैक विडो और ब्राउन रेक्लूज, इनके काटने से जरा बच के रहना चाहिए। और एक अहम बात, मकड़ियां हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत जरूरी हैं। ये कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल में रखती हैं, तो खेती बाड़ी में भी इनका बड़ा हाथ होता है। तो अगली बार जब मकड़ी दिखे तो डरो मत, उसे एक छोटे से साइंटिस्ट की तरह देखो। मकड़ियों की दुनिया सीरियसली बहुत ही अद्भुत है। मकड़ियां जाले बुनती हैं, जबकि कीड़े ऐसा नहीं करते। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि मकड़ियां कितनी अलग होती हैं। मकड़ियों के पास विषैले दांत होते हैं, जबकि कीड़ों के पास नहीं। तो तैयार हो जाइए मकड़ियों की दुनिया के बारे में कुछ नया सीखने के लिए। मकड़ियों की दुनिया बहुत ही रोचक और अद्भुत है। सबसे पहला और सबसे आसान अंतर है पैरों की संख्या। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मकड़ी के कितने पैर होते हैं? जी हां, एक मकड़ी के 8 पैर होते हैं। ये मकड़ियों और कीड़ों के बीच एक बड़ा अंतर है। सभी कीड़ों के 6 पैर होते हैं, जबकि मकड़ियों के 8। ये अंतर उनके शरीर के बनावट और चलने के तरीके को प्रभावित करता है। अगली बार जब आप एक मकड़ी या कीड़ा देखें तो उनके पैरों को गिनना न भूलें। पैरों के अलावा मकड़ियों और कीड़ों के शरीर की बनावट भी अलग होती है। मकड़ियों के 8 पैर होते हैं, जबकि कीड़ों के 6 पैर होते हैं। कीड़ों के शरीर के 3 मुख्य भाग होते हैं, सिर, छाती और पेट। सिर में एंटीना और आंखें होती हैं, छाती में पैर और पंख होते हैं और पेट में पाचन तंत्र होता है। दूसरी ओर मकड़ियों के शरीर के केवल 2 मुख्य भाग होते हैं, सिरोवक्ष और पेट। सिरोवक्ष में पैर और आंखें होती हैं, जबकि पेट में पाचन तंत्र और स्पिनरेट्स होते हैं। सिरोवक्ष, जैसा कि नाम से पता चलता है, सिर और छाती का मिला हुआ रूप है। यह मकड़ियों को अधिक लचीलापन और गति प्रदान करता है। ये अंतर उनके अंदरूनी अंगों और दिमाग तक संदेश पहुंचाने वाले सिस्टम को भी प्रभावित करता है। मकड़ियों का तंत्रिका तंत्र अधिक जटिल होता है, जो उन्हें शिकार पकड़ने में मदद करता है। तो अब आप जानते हैं कि सिर्फ पैर ही नहीं, बल्कि शरीर की बनावट भी मकड़ियों और कीड़ों को अलग करती है। इन दोनों के बीच के अंतर को समझना हमें प्रकृति की विविधता को सराहने में मदद करता है। सेक्शन 4,
वेब वंडर्स एंड वेनमस बाइट्स। अब बात करते हैं मकड़ियों की कुछ खास बातों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि सभी मकड़ियां जाला नहीं बनाती? हां, ये सच है। कुछ मकड़ियां शिकार करने के लिए जाल का उपयोग करती हैं, जबकि बाकी मकड़ियां शिकार करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाती हैं। और हां, ज्यादातर मकड़ियां जहरीली होती हैं। वो अपने शिकार को पकड़ने और मारने के लिए जहर का उपयोग करती हैं। लेकिन घबराइए मत, ज्यादातर मकड़ियों का जहर इंसानों के लिए हानिकारक नहीं होता है। सेक्शन 5, बियॉन्ड द बेसिक्स, मोर स्पाइडर सीक्रेट्स। मकड़ियों के बारे में और भी बहुत कुछ जानना दिलचस्प है। मकड़ियां हमारे पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्या आप जानते हैं कि मकड़ियां रेशम बनाती हैं? यह रेशम कई प्रकार के कार्यों के लिए उपयोगी होता है। यह रेशम बहुत मजबूत होता है और इसका उपयोग जाल बनाने, अंडे की रक्षा करने और यहां तक कि खुद को हवा में उड़ाने के लिए भी किया जाता है। मकड़ियां अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी रेशम का उपयोग करती हैं। इसके अलावा मकड़ियों की आंखें भी बहुत अलग होती हैं। उनकी दृष्टि उन्हें शिकार का पता लगाने और खतरे से बचने में मदद करती है। कुछ मकड़ियों की 8 आंखें होती हैं, जबकि कुछ की कम। यह विविधता उन्हें विभिन्न वातावरणों में जीवित रहने में मदद करती है। ये आंखें उन्हें अपने आसपास की दुनिया को अलग अलग तरीकों से देखने में मदद करती हैं। मकड़ियां अपने पर्यावरण को समझने के लिए अपनी दृष्टि का उपयोग करती हैं। तो दोस्तों, मकड़ियां वास्तव में अद्भुत जीव हैं। उनके बारे में और जानने से हमें प्रकृति की जटिलताओं को समझने में मदद मिलती है। सेक्शन 6, स्पाइडर्स, अ क्लास ऑफ देयर ओन। तो दोस्तों, मकड़ियां और कीड़े अलग अलग जीव हैं, जिनके शरीर, रहन सहन और जीवन में बहुत अंतर है। पैरों की संख्या, शरीर का बनावट, जाल बनाने की क्षमता और जहर का उपयोग मकड़ियों को कीड़ों से अलग करता है। ये समझना जरूरी है कि सभी जीव अलग अलग होते हैं और प्रकृति में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो अगली बार जब आप एक मकड़ी देखें, तो उसे डरने की बजाय उसके अनोखेपन की तारीफ करें।